हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं पोई साग का पकौड़ी बनाने जा रही हूँ, तो आइए इसको हम कैसे बनाए हैं इसको हम दिखाते हैं। देखिए, पोई के पत्ती को हम पहले तोड़कर धो लिए हैं, और इसको धोकर इस तरह से हम काट लिए हैं, और इसमें प्याज भी काटे हैं दो, और इसमें अब बेसन डाल लेते हैं। पहले हम इसको छन्नी से छान लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम बेसन इसमें डाल दिए। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में हल्दी है, और जीरा मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर इसको हम नमक डाल के अब इसको ऐसे ही सानेंगे। अभी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें पानी रहता है। तो इसको इस तरह से मसल मसल के सानेंगे। आ तक तो इधर हम कढ़ाई भी रख देते हैं चूल्हा पर कि गर्म होते रहे तेल। तो हम कढ़ाई में तेल डाल चुके हैं, और इस तरह से हम सान लेते हैं पहले इसको। तो देखिए, थोड़ा सा इसमें हम 1-2 चम्मच पानी डाल के इस तरह से हम सान लेते हैं। तो देखिए, अब सना चुका है। देखिए इस तरह से अब कढ़ाई में डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, तो इसको हम डाल डाल के कढ़ाई में गोल गोल करके जितना तेल में अटेगा उसको हम डालेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम पूरा पकौड़ी को इसमें हम डाल लिए हैं। अभी पकेगा, इसको लाल होने तक ले तलेंगे इसमें। तो देखिए, अब तलना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में यह लाल हो जाएगा, तो इसको अब निकालेंगे। तो दोस्तों, पोई साग का पकौड़ी बहुत ही मस्त लगता है, तो आप भी इस तरह से बनाकर अपने घर में खाइएगा। देखिए, इसको हम पास से दिखाते हैं। देखिए कितना बढ़िया पकौड़ी बना हुआ है। अब इसको हम निकालेंगे। थोड़ा सा हीट ज़्यादा हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। सारे पकौड़ी को बन गया है अब। तो देखिए, 1 प्लेट में हम इसको हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, निकाल लिए हैं, तो सब पकौड़ी को फिर से इसमें डाल देते हैं जितना तेल में अट रहा है। देखिए दोस्तों, ये भी बनकर तैयार हो चुका है, तो इसको भी अब निकालेंगे। देखिए, इसको भी हम 1 प्लेट में निकाल लेते हैं। पकौड़ी बनकर तैयार हो चुका है, लाल हो चुका है, ज़्यादा तलने से जल सकता है, इसलिए इसको हम निकालेंगे। पोई साग आयरन से भरपूर होता है, तो दोस्तों पोई साग खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। देखिए, इस तरह से हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको कैसा बना है पकौड़ी। देखिए दोस्तों, मेरा पकौड़ी
बनकर तैयार हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें।